I know. मैं ऑलमोस्ट पूरे सरसाल होतो. मम्मी विसरलो लोक पण. पर अजूनही काही सरप्राइज आहे का आपल्याकडे? येस, आज शुभोचा वाढदिवस आहे आणि मला आयोजकांचे आभार मानायचे की आम्हाला ही संधी दिली. थँक यू सो मच. जोरदार टाळ्या एकदा याच्यासाठी वाजला पाहिजे, कारण तुमचा इतका मोठा कार्यक्रम असताना तुम्ही आम्हाला ही संधी दिली त्याबद्दल तुमचे आभार. आज सुबोधला गिफ्ट म्हणून, भेट म्हणून आमच्या संपूर्ण टीम तर्फे आम्ही फुगे या चित्रपटाचा ट्रेलर त्याला गिफ्ट करतोय. आणि त्या ट्रेलरचं अनावरण करण्यासाठी मी रंगमंचावर आमंत्रित करतो टाळ्यांच्या गजरात बॉलिवूडचं खूप मोठं नाव, वन ऑफ द मोस्ट बँकेबल स्टार्स ऑफ बॉलिवूड, जॉन अब्राहम. मनोरंजनाचे हे फुगे लवकरच आपल्या जवळच्या थिएटरमध्ये दाखल होणार आहेत, पण तत्पूर्वी आज त्याचं ट्रेलर लॉन्च होत आहे तेव्हा आपण विनंती करूया आजचे आपले गेस्ट जॉन अब्राहम यांना की लेट्स लॉन्च द ट्रेलर. या मला आनंद आहे की मी सपनाच्या फिल्मची ट्रेलर लॉन्च करत आहे. सो कंग्रॅच्युलेशन्स अँड व्हेरी हॅपी बर्थडे सुबोध. थँक्यू, थँक्यू, इट्स अ ग्रेट डे. थँक्यू, कंग्रॅच्युलेशन्स सपना. चला आता पाहूया फुगेचं ट्रेलर. त्याला त्याच्याबद्दल मी जास्त बोलू इच्छित नाही, कारण की बर्थडे बॉय आज खूप एका इंटेन्स अवतारात तुमच्या समोर आहे. लेखक वगैरे त्याच्यामुळे त्यांनी केलेल्या दंगा फिल्मचं प्रकाशन आधी झालंय आणि ती आता 2 डिसेंबरला रिलीज होणार आहे. एकत्र काम करण्याचं या इच्छेनं मी आणि स्वप्नेली मिळून ही कथा रचली आणि अभिजित गुरु आणि हेमंत ढोबे या दोघांनी त्याला सुंदर आकार दिला आणि स्वप्नाने आम्हाला सगळ्यांना एकत्र आणून फार सुंदर पद्धतीने फुलवलं. तर पुन्हा एकदा फुगेचं मला आणि स्वप्नेला दोघांनाही लेखक म्हणून तुमच्या समोर चित्रपटाचं आणल्याबद्दल, पहिल्यांदा आणल्याबद्दल मी त्या सगळ्यांना थँक्यू म्हणतो. मला खात्री आहे की स्वप्नेलाही हेच म्हणायचं आहे, दो जिस्म मगर एक जान है, असंच काहीतरी. थँक्यू सो मच जॉन, थँक्यू सो मच. थँक्यू निशिकांत, थँक्यू कपूर साहेब, थँक्यू अर्जुन, थँक्यू प्रार्थना, थँक्यू मीता, थँक्यू स्वप्नाताई, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. अँड प्लीज तुम्ही कार्यक्रम बघायला बसावं अशी तुम्हाला सगळ्यांना नम्र विनंती. थँक्यू सो मच. फ्यूचर में पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ एंड मैं सपना को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ फुगे के ट्रेलर पे. और आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक ट्रेलर. मेरे हिसाब से आई थिंक दिस फिल्म इज़ गोइंग टू डू फैंटास्टिक बिजनेस. और मेरी खुशनसीबी कि आई एम वर्किंग विद सपना इन द फ्यूचर एज अ प्रोड्यूसर, शायद इन द फ्यूचर एज एन एक्टर भी. आई लव टू वर्क विद हर, कि बहुत ही टैलेंटेड है. And very happy to be here. Very happy to be here. जी ऑनेस्टली मैं हमेशा ये कहते आया हूँ कि हिंदी फिल्मों को मराठी फिल्म्स या इवन मलयालम फिल्म से सीखना चाहिए, क्योंकि इनका जो कंटेंट है मराठी फिल्म्स का हमारे फिल्म से फार सुपीरियर है. बहुत अच्छा है इनका कंटेंट और इनके जो टैलेंट है, आई थिंक वी नीड टू बोरो दिस काइंड ऑफ टैलेंट, यू नो, टू मेक गुड सिनेमा इवन इन ग्रेट सिनेमा इवन इन हिंदी. तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि इन सबसे मिल रहा हूँ मैं आज यहाँ पे हूँ. आई एम वेरी लकी. मराठी बोलने की संधि मिलते कभी? मी मराठी बोलतो आहे पण ग्रामर माझा चांगलं नाही आहे. मी मराठी मुलगा आहे असं मला गर्व आहे, पण मी इट्स अ लिटल बॅड इन द ग्रामर. पण मुंबई आणि तुमचं नातं कसं, त्याच्याबद्दल सांगा. हिंदी में थोडा, आय जस्ट आय एम बॉर्न अँड ब्रॉट अप हियर इन मुंबई. मैं इधर ही पैदा हुआ, अंधेरी में, कोल डोंगरी में. तो पूरी लाइफ वहीं पे बिताई मैंने. एंड आई एम अ मुंबईकर, हार्डकोर मुंबईकर. एंड माय बेस्ट फ्रेंड लिव्स अराउंड हियर ओनली, सितला देवी टेंपल के पास. सो आई स्टडीड इन बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल. तो पूरा पला पोसा यहीं पे हो. आई लव दिस प्लेस. आउटस्टैंडिंग. आई थिंक सो जस्ट टेलिंग देम, आई थिंक द ट्रेलर इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग. इट्स वेरी कमर्शियल एंड आई फील जितने हमारे यंग ऑडियंसेज है, दे विल बी एक्चुअली गोइंग एंड वॉचिंग दिस फिल्म एंड दिस फिल्म विल बी अ सुपर हिट. इट विल बी अ वेरी बिग फिल्म. आई वुड गो फर्स्ट डे फर्स्ट शो फॉर दिस फिल्म. इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक एंड आई प्रॉमिस यू. मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गो एंड सी दिस. पर कहीं आखिरी सवाल, कहीं आप सोचते हैं कि मराठी सिनेमा प्रोड्यूस कर सकते हैं? Definitely, I am doing my first production with Swapna. We are hopefully starting in March. And it's a fantastic script and jaise main keh raha hu ki I'm really lucky to be working with her.
एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं एंड दैट्स व्हाई आई केम हियर. आई वांटेड टू सी एवरीथिंग आउट हियर. सो मच फन. जॉन, जैसे कि आपने कहा कि आप मुंबई का है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप क्या कहेंगे, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने जिस तरह से स्टेप लिया है? आई थिंक फैंटास्टिक. सपना, कम इन. स्वप्निल, प्रोड्यूसर ये है और डायरेक्टर ये है. या या, सो आई थिंक इंडियन इकोनॉमी, आई थिंक द स्टेप इज फैंटास्टिक. इसके रिपरकशंस क्या होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये 500,000 के जो डिनोमिनेशंस के ये जो निकाला उन्होंने, आई थिंक इट्स टू फ्लश आउट द ब्लैक मनी फ्रॉम द सिस्टम एंड आई थिंक करप्ट पीपल शुड गो. अच्छा, हम लोग फिल्म के बारे में बात करेंगे, फुगे के बारे में बात करेंगे. वी हैव कम हियर फॉर द फिल्म, वी मस्ट टॉक अबाउट द फिल्म. हाँ, निशिकांत का मैंने एंट्री देखा, फैंटास्टिक. निशी इज एन ओल्ड फ्रेंड, तो उनको यहाँ मिलके भी बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड दैट निशी वॉज हियर एंड एवरीबडी वॉज हियर. इमेजिन मीटिंग स्वप्ना, सुबोध, स्वप्निल, निशी, एवरीबडी इन वन प्लेस. इट्स अमेजिंग. इट्स लाइक अ प्ले ग्राउंड. I think it was mad and crazy and it was absolutely outstanding. The kind of film we envisaged, jis tarah ki picture hum banana chahte the. I think a big thank you to my producers, Kapoor saab, Karthik, Arjun. You know, the kind of, kyunki vision hoti hai, but you need somebody to back that vision. I think they had the vision and they were ready to back that, and I think Swapna's made a great film. Meri pehli picture as a writer also. So nervous as hell. मैंने और सुबोध ने मिलकर ये फिल्म लिखी है, स्टोरी हमारी है और काम ऑफकोर्स कर रहा हूँ. बट इट वॉज लॉट ऑफ फन ऑन द सेट. निशी था, स्वप्ना थी, मैं, सुबोध. आई थिंक इट वॉज वन क्रैकर ऑफ अ शूट. अगर देखा जाए रीजनल सिनेमा की बात की जाए तो मराठी सिनेमा सबसे आगे माना जाता है. 100% मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से एंड आई थिंक मराठी सिनेमा इज द मोस्ट सुपीरियर सिनेमा टुडे. और आई जस्ट होप दैट इट डजंट रीच अ पॉइंट वेयर इट स्टार्ट्स गेटिंग करप्टेड. तो ये हमें बैलेंस देखना पड़ेगा, लेकिन हर एक इंडस्ट्री में वैसे होता है. एंड आई थिंक व्हेन यू सी स्वप्नाज वर्क, व्हेन यू सी सुबोध, व्हेन यू सी स्वप्निल, व्हेन यू सी ऑल ऑफ देम, दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड. इनसे काफ़ी कुछ सीखना भी मिलता है. तो जस्ट बींग विद देम यू लर्न अ लॉट एंड आई थिंक दे आर फैंटास्टिक टैलेंट इन देयर ओन राइट एंड आई लव टू लर्न अ लॉट जस्ट बींग अराउंड देम. अच्छा, एक आखिरी सवाल करूंगा, उम्मीद करता हूँ इसका जवाब देंगे. अगर आप फिल्म के बारे में पूछ रहे हो तो डेफिनेटली फिल्म से है, स्टंट मैन के ऊपर आपने एक इनिशिएटिव लेने की बात लगभग था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? या आई जस्ट थिंक यू नो वी आर ऑल एक्टर्स. अभी कन्नड़ा में जो हुआ दो एक्टरों के साथ, आई थिंक द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हियर आर वेरी बैड. और मैं यही चाहता हूँ कि जितना कॉन्सेंट्रेशन हम गाने पे लगाए वो एक्शन पे भी लगाए एंड वी प्रोटेक्ट द स्टंटमैन ऑफ आर फ्रेटर्निटी. क्योंकि उन लोग मार खाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, घर जाते हैं, हमें उनका नाम पता भी नहीं होता है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियली लुक आफ्टर देम. फिल्म इंडस्ट्री पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है, जिस तरह से जो डिनोमिनेशन कम हुए हैं फिल्में देखने, हो सकता है काफ़ी कम लोग जाए और बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ेगा, इस पर कोई कहना चाहिए? शायद हो सकता है, लेकिन एक वीकेंड के लिए हो सकता है कि बैंक्स, ATM सब बंद है, लेकिन उसके बाद तो नहीं. मैं यही चाहूँगा कि 4-2 तक सब ठीक हो जाए, नवंबर 18 को सब ठीक हो जाए. नॉट माई प्लेस टू कमेंट ऑन दैट. आई होप रॉक ऑन 2 डज वेरी वेल, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर फिल्म को अच्छा बिजनेस करना ही चाहिए. सो आई ऑलवेज होप द बेस्ट फॉर एवरी फिल्म. ये बहुत ज़रूरी है. थैंक यू. थैंक यू.